आज की इस दुनिया में जहाँ साइंस इतना विकसित हो चुका है, वैसे में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि क्या एलियंस हैं, क्या उनका अस्तित्व है। दुनिया भर के वैज्ञानिक एलियंस की खोज में लगे हैं कि क्या कहीं और भी जीवन है। ऐसे बहुत से ग्रह खोजे गए हैं जिनमें जीवन होने की आशंका है, लेकिन हम सिर्फ धरती के बाहर एलियंस को खोज रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं एलियंस धरती पर ही छिप कर रह रहे हो, लेकिन कहाँ, ये एक सवाल बनकर रह जाता है। ऐसे में हमारे देश भारत में एलियंस को देखने के बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन हम इन दावों को क्यों माने, तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे फौजी भाइयों के दावे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको हिमालय की ओर, जहां 2 बार एलियंस को देखने का दावा किया गया है। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टीरियस बॉय, एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ मिस्ट्री। अक्टूबर 2011 रात के करीब 3 बजे रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय जवानों में से एक जवान का दावा है कि उसने एक चमकती हुई उड़ंत अस्त्री देखी थी, और जब वह यूएफओ जमीन पर उतरा तब उस यूएफओ में से एक लंबा सा विचित्र प्राणी उतरा। उसे देखकर वह जवान डर गया और चिल्लाने लगा, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा था। फिर उनमें से एक एलियन ने उस जवान के पास आके ग्रोवा नामक एक ग्रह का रास्ता पूछा, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि यह बात झूठ हो, लेकिन हम अपने फौजी भाइयों पे विश्वास भी कर सकते हैं। हो सकता है कि हिमालय पे एलियंस छुप के रह रहे हों। 15 फरवरी 2015 दोपहर के करीब 2 बजे भारत चीन सीमा से 0.25 किलोमीटर की दूर पे एक छोटे से क्षेत्र से 500 मीटर ऊपर की दूरी से एक चमकती हुई सफ़ेद रोशनी आ रही थी, और उसी दौरान 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ता और 3 पहाड़ी बकरियां गायब हो गई। लोगों के मुताबिक वो यूएफओ इन सभी को अपने ग्रह पर ले जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद 3 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया, लेकिन बाकी के सभी लोग लापता हो गए। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं कह सकता। यह थी हमारे हिमालय पर घटी 2 कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी या आपको इस वीडियो में ज़रा सा भी मज़ा आया, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।